गुड इवनिंग एवरीवन। सो अगर आज या कल में आप देखोगे अपनी फेसबुक की फीड पे जाओ, ट्विटर की प्रोफाइल पे जाओ, तो आप देखोगे ये फेसबुक ट्विटर बैन पे जो कंट्रोवर्सी है काफ़ी ह्यू एंड क्राई है। तो ये बहुत सारे जो मीम्स हैं, जो पोस्ट हैं, वो बनाए गए हैं, तो ये आप देख सकते हो। तो मीन्स ये कह रहे हैं भी मतलब जो जो फेसबुक ट्विटर इतने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, भी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको बैन करने जा रही है। आज 25 मई को ट्विटर के ऑफिस पे दिल्ली पुलिस की एक रेड थी, तो ये कह रहे हैं बैन करने जा रहे हैं। और मीन्स किसी भी बात का आजकल क्या है, इशू बना दो, भी उसके पीछे ओरिजिनल बात क्या है वो कम पता होती है। इशू जो एक्चुअल में होता भी नहीं बहुत ज़्यादा पता होता है लोगों को। भी ट्विटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफ़ी क्रिटिक था, तो अभी उनको एक क्या है सबक सिखाने के लिए दिल्ली पुलिस भेजी है। तो आज हम देखेंगे भी ऐसा सच में है कि नहीं है। तो आज हम ये देखते हैं भी कंट्रोवर्सी क्या है। तो पहले कंट्रोवर्सी का बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पे जैसे कि हमने देखा है लॉकडाउन में ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, Amazon प्राइम, तो ये कुछ प्लेटफॉर्म हैं जिन पे बहुत सारी वेब सीरीज आती हैं। हमने अच्छी अच्छी वेब सीरीज देखी जैसे कि मिर्जापुर, सेक्रेड गेम्स, बहुत सारी टीवी सीरीज देखी है हमने। तो एक टीवी सीरीज आई थी तांडव, तो उस पर काफ़ी इशू हुआ था। तो तांडव टीवी सीरीज में एक्चुअली एक सीन था जहाँ पे जिसके कारण जो हिंदू लोग हैं, द लार्जेस्ट रिलीजियस मेजॉरिटी ऑफ इंडिया, उनकी रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट किया गया। एक सीन था उसमें तांडव टीवी सीरीज में। तो अब आप सोचिए भी ऐसे स्पॉइल करो, कोई भी इतनी सारी वेब सीरीज आती हैं वहाँ पे स्पॉइल करो भी कोई भी कंटेंट है, कुछ भी है जिसके कारण किसी इंडिविजुअल पर्सन या किसी कम्युनिटी की जो डिग्निटी हर्ट होती है, तो वो कहाँ पे जाएगा, एक बात। सेकंड थिंग, अब हमने देखा है भी हमारे जहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो इतने बड़े हैं, ये देखिए इंडिया में व्हाट्सएप यूजर कितने हैं, 53 करोड़, यूट्यूब कितने हैं, 44 करोड़, फेसबुक 41 करोड़, इंस्टाग्राम 21 करोड़, ट्विटर यूजर कितने हैं, 1.75 करोड़। तो अब देखिए इतना बड़ा इनका रीच है। अब सपोज करो जहाँ पे कोई कुछ भी पोस्ट वो करता है, जैसे कि आजकल मॉफ्ट पोर्नोग्राफी का एक ये है नया थ्रेट, मॉफ्ट पोर्नोग्राफी, जिसमें किसी भी मतलब जो न्यूड पिक्चर्स होती हैं, मतलब उन पे किसी का जैसे वो फेस काट के लगा देते हैं, मतलब फेस मतलब थ्रू फोटोशॉप एट्सेट्रा। तो आप देखिए मतलब ऐसे किसी पर्सनल एक इंडिविजुअल की डिग्निटी हर्ट होती है, तो वो पर्सन पर्टिकुलर पर्सन कहाँ पे जाएगा, मतलब वो कहाँ पे कंप्लेंट करेगा। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग, मैं जब अपने UPSC इंटरव्यू की प्रेपरेशन कर रहा था, तो मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था RN रवि सर का, जो कि नागालैंड के अभी गवर्नर हैं, एंड उन्होंने जो नागा पीस एग्रीमेंट था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से साइन किया था। तो उन्होंने एक चीज़ बताई थी, कहते पहले जब इंडिया में आप देखो भी बहुत सारी मतलब मुस्लिम पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 14% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन है, तो एक लार्ज नंबर है। तो कहते थे हम बड़े प्राउड से पहले बोलते थे भी मतलब जो ISIS है, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, भी उसको किसी ने वो नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, मतलब उनकी व्हाइट हाउस में मीटिंग हो रही थी, सर बता रहे थे, लेकिन वो सेम थिंग अभी नहीं कह सकते। मींस
क्योंकि जहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू इतनी ज़्यादा ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन हो रही है, क्योंकि हमारे कई जवान, जैसे केरला से कई जवान या कई और भी स्टेट से कई जवान हमारे जो थे, हमारे जो नौजवान थे, हमारे यूथ था, वो वहाँ पे सीरिया गया टू ज्वाइन ISIS। तो आप देखिए, अगर वो रेडिकलाइजेशन जो कंटेंट होगा जिसके कारण जो कंट्री में टेररिज्म या कंट्री की इंटेग्रिटी यूनिटी को क्वेश्चन हो सकता है, तो उस कंटेंट को कैसे हटाया जाएगा, तो उसके लिए कैसे किया जाएगा। तो ये कुछ इश्यूज थे। उसके अलावा आज के टाइम पे फेक न्यूज़, मतलब हमारे जहाँ पे फेक न्यूज़ इतनी ज़्यादा होती है, वे कुछ भी फेक न्यूज़ सर्कुलेट कर देते हैं। जैसे अभी कोविड वैक्सीन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेक न्यूज़ थी, आप देखिए भी कितना बड़ा पेंडेमिक चल रहा है हमारा, कोविड का पेंडेमिक। तो पेंडेमिक कैसे कंट्रोल होता है, जब मास वैक्सीनेशन होती है। तो सोशल मीडिया पे कुछ फेक न्यूज़ चल रही थी भी अगर आप वैक्सीनेट कराओगे तो इनफर्टिलिटी हो सकती है, तो उसके कारण काफ़ी लोगों में ना मतलब वैक्सीनेशन हेजिटेंसी आ गई थी। तो फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा इशू है। तो जो आप समझ रहे हो मतलब सोशल मीडिया क्या है, नो डाउट इट्स वेरी इम्पावरिंग प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया क्या है, डबल स्वॉर्ड है, बेनिफिट्स भी हैं नुकसान भी हैं। तो बेनिफिट्स हमने देखे भी, हम अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब भी हम कुछ भी है, जैसे कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ करप्शन हो रही है, हम वहाँ पे पोस्ट करो, सोशल मीडिया आउटरेज होता था तो गवर्नमेंट एक्शन में आती है, ये हमने चीज़ देखी है। अभी सोशल मीडिया के थ्रू आप देखिए मतलब जो कोविड पेंडेमिक है वो कितना ज़्यादा मतलब उसको कंट्रोल करने में कितनी ज़्यादा हेल्प मिली, जहाँ पे मतलब लोग अपनी अपनी जो वो थी ज़रूरतें थी वो लिख रहे थे भी आज भी मतलब जो ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। तो मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एक मतलब लोगों की हेल्प करने के लिए। तो सोशल मीडिया क्या है, डबल स्वॉर्ड है, मतलब इसके बेनिफिट भी हैं और नुकसान भी है। तो क्या होता है भी हमें किसी चीज़ के बेनिफिट जरूर करो, लेकिन जो उसकी नेगेटिव्स है उसको काउंटर करने की कोशिश करो। तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं आप उसमें देखिए, अगर फेक न्यूज़ आ गई, जैसे फेसबुक क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो इस पर अगर किसी ने फेक न्यूज़ पोस्ट कर दी और उसके कारण उसको रायोट्स हो गए, बहुत मॉब लिंचिंग होगी, तो उसका कैसे किया जाए, तो ये सब इशू थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो रिट पटिशन थी भी, जिन्होंने गवर्नमेंट को कहा था भी आप जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है या रेप एंड गैंग रेप इमेजरीज वीडियोस जो भी मतलब प्लेटफॉर्म्स हैं इनसे साइट से हटाओ आप। गवर्नमेंट ने फिर सुप्रीम कोर्ट जो हमारी हाईएस्ट कोर्ट है तो उन्होंने फिर से कहा भी आपने ये हटाई कि नहीं हटाई। तो उसके बाद राज्यसभा में काफ़ी डिबेट हुआ भी जो फेक न्यूज़ है भी, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अकाउंटेबल आप क्यों नहीं कर रहे, जो जहाँ पे, क्योंकि सोशल मीडिया पे देखिए एक जगह शेयर करोगे आप तो कितना ज़्यादा लोगों के पास इतनी फास्टली जाती है, तो आप कैसे रेगुलेट करोगे। उसी बार राज्यसभा में एक एडहॉक कमेटी बैठी थी इस डेट को, तो उन्होंने कहा भी सोशल मीडिया पे जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का एक नया इशू आ रहा है और उस पे मतलब आप देखिए भी चिल्ड्रन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आप आइडेंटिफाई कीजिए भी वो एक्चुअल कंटेंट जो था वो पोर्नोग्राफी कंटेंट था वो कैसे पब्लिश हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये सब चीज़ें देखी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25 फरवरी को, अब देखिए 25 फरवरी और 25 मई को जब ट्विटर ऑफिस पे रेड पड़ी थी, तो 3 मंथ्स का गैप, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2001 निकाले। तो ये क्या थे, रूल्स थे कुछ जो रेगुलेट करते थे OTT प्लेटफॉर्म्स को, डिजिटल जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एंड हमारे जो भी थे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, इनको रेगुलेट करने के लिए ये बनाया। तो हम अपना मेन देखेंगे क्योंकि फेसबुक जो ट्विटर है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो उनको मतलब ये क्या था मेन,
ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए वो इतनी नहीं है। मेन हमने देखना भी क्या रूल्स हैं, क्या इशू है। तो आप देखिए, ऐसा नहीं है, मतलब जैसे आप सपोज कीजिए, आप कह रहे हो भी सर ओटीटी प्लेटफॉर्म, अब जैसे केबल टीवी पे कुछ भी हम आता है, विद रेगुलेशन इस पे स्पेशल हो रही है, तो जो केबल टीवी पे कुछ भी आता है तो केबल टीवी नेटवर्क एक्ट है जिसके अंदर रेगुलेट किया गया है। उसके बाद जो ये आप देखिए, जो न्यूज़ है, कोई भी न्यूज़ चैनल है, तो वो कहाँ पर रेगुलेट है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू रेगुलेटेड है। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड करने की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोशिश की, तो कुछ रूल्स निकाले। ये देखिए, ये पीआईबी पे जो जूनियर मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी, तो उन्होंने ये 25 फरवरी को ये एक कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये कुछ रूल्स दिए। तो रूल्स क्या दिए, आप एक चीज़ समझिए, मैं यूजर हूँ, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो करो मैंने कुछ पोस्ट करना है जो सभी यूजर्स को पहुँचे, बहुत सारे लोगों को पहुँचे, तो मैं जहाँ पे पोस्ट करूँगा और जिस सभी जो 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 इस प्रोफाइल में है, जैसे देखते हैं हम ट्विटर्स हो गए, जब पोस्ट हो गए फेसबुक पे, तो पहुँच जाते हैं। तो ये क्या हो गया, इंटरमीडिएरी। तो इंटरमीडिएरी, तो इंटरमीडिएरी कौन हो गया, सोशल फेसबुक ट्विटर। तो नेक्स्ट थिंग क्या है, एक होती है हार्बर, सेफ हार्बर प्रोविजंस। तो आईटी एक्ट के अंदर क्या है, जो जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज हैं, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो सेफ हार्बर प्रोविजंस क्या कह रही हैं भैया, जहाँ पे स्पोर करो कुछ भी इन्होंने वो किया, पब्लिश किया इस यूजर ने इस प्लेटफॉर्म पे, जो कि एक क्रिमिनल इंटेंट से किया गया है, तो जो इंटरमीडिएट होंगे वो लायबल नहीं होंगे किसी भी पेनल्टी के लिए या किसी भी पनिशमेंट के लिए। तो ये सेफ हार्बर प्रोविजंस। तो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी, आप ये फॉलो कीजिए। फर्स्ट क्या है भैया, आपको जो गाइडलाइंस फॉलो करनी है सोशल मीडिया या जो इंटरमीडिएट्स को कहा है, अगर आप ये नहीं करोगे तो जो सेफ हार्बर प्रोविजंस हैं वो आपको नहीं मिलेंगी, मतलब आपको सेफ हार्बर प्रोविजंस आपसे निकाल लेंगे। तो उसके अंदर आप क्या होगा, जो भी आईटी एक्ट जहां हमारा इंडियन पिनल कोड है उसके अंदर आप, आपको फिर पनिशमेंट मिलेगी अगर आपने ये रूल्स फॉलो नहीं किए, और ये रूल्स फॉलो करने थे 3 महीने के अंदर अंदर, 3 मंथ्स के अंदर अंदर, मतलब अगर 25 फरवरी को किए थे अनाउंस की, तो 25 मई तक ये रूल्स फॉलो हो जाने चाहिए थे। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक हमारा इंडिजिनियस जो प्लेटफॉर्म है कू ऐप, ट्विटर का राइवल इंडिजिनियस, आत्मनिर्भर भारत हम बनने की उस डायरेक्शन में जा रहे, तो कू ऐप एक आत्मनिर्भर भारत मतलब खुद शो कर रही है। तो कू ऐप ने सिर्फ जिस जो रूल्स थे वो फॉलो किए थे, बाकी किसी ने रूल्स नहीं फॉलो किए। तो आप देख रहे हो, मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रूल्स दिए और जो फॉलो नहीं किए। आगे मैं बताता हूँ आपको, तो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म था, विस्पोर करो कुछ को भी, कोई भी ग्रीवेंस है तो आप एक ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करो जिसका नेम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको शेयर करनी है, और उसको मतलब आप जो कोई भी कंप्लेंट सबमिट कर सकते हैं वो अक्नॉलेज करे विद इन 24 आवर्स, कोई भी कंप्लेंट आपको लग रहा है सोशल मीडिया, और वो उसको 15 दिन के अंदर अंदर वो रिजॉल्व होनी चाहिए। उसके बाद इंश्योर ऑनलाइन सेफ्टी डिग्निटी ऑफ यूजर्स, स्पेशली वुमेन यूजर्स, विस्पोज करो कोई मॉफ्ट इमेजेस हैं, अगर कोई वुमेन या उसके कोई भी इंडिविजुअल या उसके बिहाफ पे कोई और कंप्लेंट कर रहा है, तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर वो रिमूव कर दो आप, कोई भी मॉफ्ट। तो उन्होंने कहा भी जहाँ पे 2 कैटेगरीज ऑफ सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स हैं, एक तो छोटे जिन पे जो अभी नए नए आए हैं, कम से यूजर हैं 100-200 यूजर, एक होते बड़े सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स जिनको उन्होंने बोला सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स, क्योंकि अगर छोटे हैं वो अभी बेचारे नए नए आए हैं, उनको इतनी बड़ी कंप्लाइंस बर्डन, तो उनको कहा भी आपको रिलैक्स है, लेकिन बड़े जो हैं, क्योंकि आप देखिए जिन पे 50-50 करोड़ यूजर्स हैं तो उनका इम्पैक्ट ज़्यादा है, तो उनको कहा भी आपने पक्का जो फॉलो करना है जैसे फेसबुक ट्विटर,
तो उनको कहा भी एक तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर भी जो इन रूल्स को कंप्लाई करे, एक्ट और रूल्स को जो भी कंप्लायंस करे, और वो इंडिया का इंडिया में शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया, इंडिया में होना चाहिए। नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर जिसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कॉन्टैक्ट कर सके, 24/7 कोऑर्डिनेशन हो जो नोडल कॉन्टैक्ट ऑफ पर्सन। रेजिडेंट ग्रेवेंस ऑफिसर जो मैंने बताया भी जो ग्रेवेंस मैकेनिज्म को वो करे, जो भी कोई प्रॉब्लम हो किसी की ग्रीवेंस है वो सॉल्व करे। एंड मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट आपको पब्लिश करनी है भी आपने कितनी कंप्लेंट्स को आपको मिली, आपने क्या एक्शन लिया और डिटेल्स कंटेंट रिमूव किया कि नहीं किया। सेकंड आगे क्या है, मतलब आपको पता होना चाहिए भी आप आइडेंटिफाई द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन, भी आप उसकी आइडेंटिटी दो जिससे जिसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, मतलब भी ओरिजिनेट हो रही है, क्योंकि जो कि पनिशमेंट दैट इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंशन डिटेक्शन इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन पनिशमेंट ऑफ अफेंस रिलेटेड टू सॉवरनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स पब्लिक ऑर्डर इंसाइटमेंट और अफेंस relating to above or in relation with rape, sexually explicit material or child sexual abuse material। तो भी जो भी इन जो भी ये कैटेगरीज हैं इनके अंडर कोई भी ऑफेंस होता है तो उसके जो भी मतलब कुछ भी वो उसके रिलेटेड कुछ भी पोस्ट कर रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के साथ आप शेयर कीजिए। अब सपोज कीजिए भी मतलब जहाँ पर आप देखिए फेक आइडेंटिटी फेक प्रोफाइल्स का बहुत इशू हो रहा है किसी के नाम पर भी, तो मतलब वहाँ पे बहुत वॉलंटरी यूजर वेरिफिकेशन मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके थ्रू वो वेरीफाई कर दे और ब्लू टिक का जो भी होता है। अब आप क्या देखा होगा भी मतलब कई बार हमने देखा है काफ़ी बार भी किसी की फेसबुक या ट्विटर ऐसे ही रैंडमली प्रोफाइल हटा देता है या ब्लॉक कर देता है, तो मतलब उसको आप अपॉर्चुनिटी दीजिए भी तेरी उसको बताइए क्यों तेरी प्रोफाइल हटाई गई है या ब्लॉक की गई है। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले कंगना रनौत जो एक्ट्रेस है बॉलीवुड एक्ट्रेस उनकी प्रोफाइल इन्होंने वो जो हटा दी थी, अब वो सही है या वो गलत है दैट थिंग इज आल्सो कंट्रोवर्शियल, तो उस पर भी एक बहुत बड़ा डिबेट होगा तो हम उस चीज़ पे नहीं जाएंगे क्योंकि कंट्रोवर्शियल चीज़ों में मैं नहीं जाना चाहता। तो मतलब उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए भी ताकि वो बता सकें भी हाँ जी ये सही किया या गलत किया और क्यों किया। रिमूवल ऑफ अनलॉफुल इंफॉर्मेशन भी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई एजेंसी ने उनको कहा है भी जिसके कारण जो सॉवरनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पब्लिक ऑर्डर या फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्री कुछ भी मतलब इसके कारण जो इशू आ रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर किसी को कह रही है मतलब ऑफिसर जो एजेंसीज है गवर्नमेंट एजेंसीज वो मतलब कह रही है भी जे आपने प्रोहिबिट करनी है ऐसी इंफॉर्मेशन ना हो, तो वो भी चीज़ को आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको बोल सके भी जैसे कुछ भी चीज़ें होती हैं रिलेटेड टेररिज्म हो गया या आपके किसी दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन जो फ्रेंडली रिलेशन है वो खत्म डिस्टर्ब हो जाएं या उसको करो पब्लिक ऑर्डर रायोट्स जिससे हो सकते हैं, तो वो सब चीज़ें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर चाहे तो मतलब एक कॉन्टैक्ट होना चाहिए जिसके थ्रू वो रिमूव कर सकें। तो ये 3 महीने के अंदर अंदर ये रूल फॉलो करने थे लेकिन इन्होंने ये रूल फॉलो नहीं किए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्शन लिया। तो अभी इनका एक रूल्स का जो क्रिटिसिज्म है, तो रूल का क्रिटिसिज्म क्या है भी सपोज करो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डिसेंट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर सपोज करो क्रिटिसाइज कर रहे हो तो हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो क्रिटिसिज्म है जो उसको भी साइलेंस कर सके इन रूल्स के थ्रू, क्योंकि वहां पर हमने देखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो सकता है भी अंडर इन तीनों कॉलम्स के अंडर कह के भी कोई जो क्रिटिसिज्म है जो डिसेंट वाला वो है उसको हटा सकती है। लेकिन जो मेरी एनालिसिस कहती है भी इंडिया जो है बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो जहां पे हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पे हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 32 है
जैसे कि हम देखते हैं अगर कोई भी ऑफेंस हो तो हम जाते हैं पहले लोअर कोर्ट, फिर हायर कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 32 में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब मैं कुछ भी बोल सकूं, कुछ भी अपना जो भी अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकूं, एक्सेप्ट 3 एक्सेप्शन, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड सिक्योरिटी, जो भी लॉ एंड ऑर्डर, जो कुछ ग्राउंड्स उन्होंने मेंशन किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, तो मोरालिटी हुआ, तो ये सब ग्राउंड्स हैं कुछ। तो आर्टिकल 32 में अगर फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर वायलेट होगा तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं भी हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट एक्शन लीजिए। तो ये प्रॉपर सारी कॉन्ट्रोवर्सी है। तो अभी मैं पढ़ रहा था कि करंट सिचुएशन क्या है, तो फेसबुक ने कहा है भी हम ये पूरे रूल्स को कंप्लाई करेंगे। अभी ट्विटर से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो ये सारी कॉन्ट्रोवर्सी ये थी। तो अभी कोई भी मतलब ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई भी हम इनको बैन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा भी अगर आप रूल्स को कंप्लाई कीजिए, अगर आपको रूल्स को कंप्लाई नहीं करोगे तो सेफ हार्बर की जो प्रोविजंस हैं वो हम विड्रॉ कर लेंगे। एंड तो सेफ हार्बर की जब प्रोविजंस विड्रॉ हो जाएंगी तो आईटी एक्ट और इंडियन पिनल कोड के अंडर कई ऐसे ऑफेंसेज हैं जिनके थ्रू फिर जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के जो एग्जीक्यूटिव्स होंगे उनको फिर वो प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। तो ये सारी कॉन्ट्रोवर्सी थी। बाकी अभी आने वाले टाइम में देखेंगे भी क्या होता है, भी जो फेसबुक और ट्विटर क्या एक्शन लेते हैं। जो मुझे लगता है भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेसबुक ट्विटर को ऐसे बैन नहीं करेंगे, मतलब वो बैन नहीं करेंगे, वो बस उनको ये कह रहे हैं भी आप रूल्स को कंप्लाई कीजिए। सो ये सारी कॉन्ट्रोवर्सी थी। थैंक यू क्लास।